अधिवक्ता के साथ हुई अभद्रता तो अधिवक्ता संघ मेहर ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मामला सतना जिले के अंतर्गत मेहर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सिविल न्यायालय मेहर में प्रैक्टिस कर रहा एडवोकेट प्रदीप सूर्यवंशी सिविल कोर्ट से अपना कार्य करने पश्चात घर आते वक्त रास्ते में पुलिस प्रशासन थाने के पास खड़ी हुई थी। वह पहुंचा तो पुलिस ने उसे रोका और प्रदीप सूर्यवंशी की ओर से कहा गया कि मैं अधिवक्ता हूँ। पुलिस प्रशासन इसकी बात नहीं माना, फिर गाड़ी की जबरदस्ती चाबी निकाल कर मुंशी को दे दी और गाली गलौज करने लगा। पुलिस द्वारा उसे चमड़ा सारे वकील बनता है तो तुझे बताता हूँ, रुक जा, ऐसा कहा गया और मारपीट करने लगे। उसे रोड से घसीटते हुए ले जाकर लकअप के अंदर बैठा दिया गया और इसके कपड़े उतारवाने लगे। उसे अपमानित किया गया। जब उनके सीनियर थाने में आए तो उसका लाइसेंस जांच के बाद विश्वास हुआ कि अधिवक्ता ही है। इस घटना से पूरे अधिवक्ता संघ में प्रभावित हुआ है और समस्त अधिवक्ता परिवार ने एसडीएम साहब को पुलिस प्रशासन, जिन्होंने अभद्रता की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए सौंप दिया ज्ञापन। प्रमुख लोग उपस्थित रहे और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश द्विवेदी, पूर्व अध्यक्ष दिलीप त्रिपाठी, सूरज साकेत, गोवर्धन कुशवाहा और समस्त अधिवक्ता परिवार उपस्थित रहा है। स्वागत जिंदगी नेटवर्क से सुरेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। मेयर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जूनियर अधिवक्ता के साथ पुलिस ने चेकिंग के दौरान जो है मिसबिहेव किया है, उनको थाने में बिठाया है, फिर सीनियर अधिवक्ता के जाने पर छोड़ा, शायद जुर्माना भी पुलिस ने कर दिया है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है कि अधिवक्ता 10 बजे से लेकर 5 बजे तक न्यायालयीन कार्य में रहता है और उस दरमियान वो अगर आता जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की, हाईकोर्ट की बहुत सी गाइडलाइन है जिसमें अधिवक्ता को इस तरह मिसबिहेव न किया जाए और जो भी दोषी व्यक्ति उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में आज ज्ञापन यहाँ माननीय अनुभागीय अधिकारी मैयर को दिया गया है और सभी अधिवक्ताओं की ये राय है कि इस तरह की घटनाक्रम जो है दोबारा रिपीट ना हो, मुख्यतः यही बातें हैं। आज आप पुलिस अधीक्षक महोदय किस संबंध में ज्ञापन एसडीएपी महोदय को किस संबंध में ज्ञापन दिए? आज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिनांक 16 तारीख की घटना है, 16/8/2023 की। मैं समय लगभग 6 बजे पुरानी कचहरी से और अपने घर की ओर लौट रहा था काम को फुर्सत करके, और जैसे ही मैं मैहर कोतवाली के सामने पहुंचा, चेकिंग लगी हुई थी, पुलिस वालों ने मेरे गाड़ी के सामने आया और रोका। मैं गाड़ी को रोका और इतना ही बोला कि गाड़ी को साइड में लगा लूं। तो प्रकाश और अनूप तिवारी और ये मनोज कुमार त्रिपाठी जो पुलिस वाले थे, अनिल था, तो इन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाला और मुंशी को दे दिया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरी गाड़ी की चाबी दे दीजिए, आप चालान बनाइए। तो इन्होंने चालान ना बनाते ही मेरे को गाड़ी गलौज करने लगा, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने लगा कि चंद्र साले गुंडा बनता है, तो भीम आर्मी का तू नेता है। तो मैंने कहा, श्रीमान जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुंडा नहीं हूँ, आप चाबी दीजिए, चालान काटिए। तो इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की और बीच बचाव किया, मेरा भाई बीच बचाव किया तो उसको भी मारे। और जब इतने में भी बात नहीं बनी तो इन्होंने अंदर ले जाके और मुझे कोर्ट उतरवाने के लिए किया। मैं विरोध किया कि कोर्ट में नहीं उतारूंगा। इन्होंने जाति सूचक शब्द दो कि चमार साले तो गुंडा बनता, भीम आर्मी का, ये जितना इनसे बने ये सब कुछ कर डाले, लेकिन नहीं कर पाए। गनीमत थी मेरे सीनियर आ गए और इन्होंने इनको छोड़ना पड़ा मजबूरन। बड़े बड़े मुकदमे के लिए मुझे धमका रहे थे और कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा करेंगे, तुम छूटोगे नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो मैंने इनसे कहा कि आप चालान काटिए। मुझे डराने और धमकाने का इन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो एक अधिवक्ता के साथ ये जब ऐसा बिहेव कर सकते हैं, आम पब्लिक के साथ ये क्या नहीं कर सकते, सोचने का विषय है। मैं निवेदन करता हूँ एसडीओपी महोदय से और जितने भी उच्च अधिकारी हैं, मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि इन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कानूनी कार्रवाई हो, एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो और इनको बर्खास्त किया जाए।